भाई देखो, देयर इज अ रीजन कि जहां मैं मलयालम सिनेमा को बोलता हूँ, वैसे तो कंटेंट बहुत तगड़ा निकालते हैं, बट मेरा एक है कि यार, क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मलयालम सिनेमा मॉलीवुड से बढ़िया कोई नहीं निकाल सकता, और ये आज प्रूव हो चुका है। मैं पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। एक्चुअली में मैं मलयालम सिनेमा 2024 में इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आ रही थी, आवेशम, गोट लाइफ, आतम, ये वो, मैं वेट ही कर रहा था यार। 2-3 महीने हो गए हैं, कोई बहुत जबरदस्त पिक्चर नहीं निकल कर आई। मतलब आपने थलावन, कुमन, फॉरेंसिक, इराटा, कितनी सारी मूवीज देखी होंगी मॉलीवुड की, मगर आज जो मैंने मूवी देखी है ना, अभी रात का लेट नाइट शो देख के आया हूँ, भाई गजब यार। मतलब हॉलीवुड, मैं कोई भी वुड हो, मतलब मजा आ गया देख के। मूवी का नाम देखो दोस्तों, माफ करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, दिलजीत अयाथन साहब डायरेक्टर है इनकी मूवी है किष्किंधा कंदम, करेक्ट कर देना अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अरे भाई यार, मतलब देखो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब गवर्नमेंट है आती है, उसको प्री इलेक्शंस में एक जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस जो भी लाइसेंस गन होल्डर है उनसे गन देखनी है, और ये देखना है कि मिसिंग गन्स कौन कौन सी है, सो दैट की क्राइम ना हो जाए। मतलब माहौल देख लो क्या है, एक मैंशन है फॉरेस्ट के अंदर एकदम, और बिल्कुल जंगल वाली फील है, सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त, पेड़ ये दिखेंगे, बंदरों की आवाजें आएंगी इधर उधर की, आपको लगेगा कि धीमी धीमी से वो एक हल्का हल्का सा ना, आपको डर सा, फर्स्ट शॉट बता रहा हूँ मैं आपको, ये होगा। उसके बाद सीधा एक फैमिली में एंट्री होगी जहां पे अप्पू पिल्लई प्लेड बाय विजय राघवन, उनका बेटा है अजयन प्लेड बाय आसिफ अली, अजयन की नई नई शादी हुई है अपर्णा से, वो दोनों घर आते हैं, उनको पता चल जाता है कि अप्पू पिल्लई जो उनके फादर हैं वो बहुत एनॉयड है पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, क्योंकि वो उनसे गन मांग रहे हैं। अब आप बोलोगे इतनी सी स्टोरी, इसमें क्या क्राइम थ्रिलर। इसके बाद जो इवेंट स्टार्ट होते हैं अनफोल्ड होने पूरी मूवी में, मतलब आपको लगेगा यार इतनी बेसिक स्टोरी को किस तरीके से डायरेक्टर साहब, और इनके स्क्रीन राइटर, इनके स्क्रीन राइटर का नाम है बहुल रमेश, अरे सर जी क्या कंटेंट बनाया यार। मतलब पुलिस को मिसिंग गन्स ढूंढनी है, उसमें ये फैमिली का दिखा रहे हैं, इनके पास मिसिंग गन है, यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं इनके बीच में क्या हो सकता है सीक्रेट्स, वो किस तरीके से गन मतलब क्यों गई है, कहाँ गई है, कितने सारे सीक्रेट्स मेमोरी से अटैच्ड हैं, आप वो देख के आप यू विल लिटरली बी अमेज्ड। राघवन, विजय राघवन जी ने जो, इसका तो नाम एक्चुअली होना चाहिए था क्यूरियस केस ऑफ अप्पू पिल्लई, बिकॉज यही सेंटर है पूरी स्टोरी के, सेंट्रल करेक्टर है, क्योंकि इन्हीं के गन के आसपास पूरी स्टोरी, क्या जबरदस्त फाइनेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और ये अजयन आसिफ अली जिन्होंने आई थिंक थलावन में भी हैं, इनका भी जो बड़ा बैलेंस्ड वो वाला एक्ट है ना, जहां पे इनको अपने सीक्रेट्स भी छुपाने हैं और एज अ सन भी रोल प्ले करना है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने फाइन परफॉर्मेंस दी है। अपर्णा, अपर्णा ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जहां पे वो बेट वाइफ और मतलब फादर इन लॉ के साथ रह रही है, उसको शक भी हो रहा है, उसको कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे हैं, उसको समझ भी आ रहा है, कई बार नहीं भी आ रहा। दोस्तों आप ये जो बता रहा हूं ना मैं आपको, ये मैं शायद वर्ड्स में भी आई थिंक आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट, बिकॉज मैं जब भी मलयालम मूवी देखता हूं ना, मेरा मेरा जो भी बेंचमार्क होता है ना वो टूट जाता है। देखो ये केयरफुली क्राफ्टेड मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो आपको एज ऑफ द सीट बिठाए रखेगी। एक मिस्ट्री थ्रिलर को आप किस किस पैरामीटर पे नापोगे, इस पैरामीटर पे नापोगे कि आप ऐसा ऑडियंस नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है ना, आप बिल्कुल जज ना कर पाओ। मेरे हिसाब से अगर कोई मूवी ये अचीव कर लेती है ना दोस्तों, वो सुपर हिट। ये फाइनेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मैं बोल रहा हूं मलयालम सिनेमा, देखो ये मेरी पर्सनल चॉइस हो सकता है आपकी अलग हो, बट मैं आपको बता रहा हूं फाइनेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर निकल के आई है ये मूवी मलयालम सिनेमा से, मजा आ गया देख के, एज ऑफ द सीट। और विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी एंड बीजीएम, जो वो जंगल वाली थीम चल रही थी पूरी फील, भाई मैं पूरी तरह उनकी दुनिया में था। सबसे अच्छी बात स्क्रीन राइटर की और डायरेक्टर की जो साथ में इन्होंने मिलकर काम किया है ना, यू विल डेल्व इन टू देयर वर्ल्ड ऑफ दिस टेंशन और क्राइम मिस्ट्री। मतलब अगर किसी को क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है ना इतनी सी भी 5%, ये मलयालम सिनेमा की मॉलीवुड की मूवी 5% को आपको 80%। देखो इनकी सारी मूवीज बढ़िया है, मैं आपको बता रहा हूं, आप 2024 उठाओ कोई भी इंडस्ट्री कंपेयर कर लो, मलयालम सिनेमा की हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर देखो, आवेशम, आतम, गोट लाइफ, बहुत सारी इनके पास हिट्स हैं यार। एक और ये ऐड हो गई अभी आने वाले टाइम पे, एक और 2-3 मुझे लाइनअप में आए हैं कमेंट्स, बट आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड। सी अगर ऐसा कंटेंट आता है ना तो मजा आता है यार, बहुत अच्छा लगता है।
मतलब यहाँ पे जो कंटेंट इस तरह, ये खाते क्या है मतलब केरला में मुझे ये नहीं पता, इनका दिमाग और सबका, ऐसा नहीं है एक डायरेक्टर कोई बढ़िया काम कर रहा है, इनके सारे डायरेक्टर पता नहीं कौन सा दिमाग चलाते हैं। और मैं सबको जिससे भी मेरी बात होती है ना, मैंने अपनी, मानोगे नहीं, अपनी रिकमेंडेशन में कितने सारे लोगों को जो मूवी ब्लफ है ना उनको मलयालम सिनेमा का फैन बना दिया। मैं बोलता हूँ भाई तुम कुछ देखो ना देखो, अगर तुम्हें 2 घंटे अपना ऐसा एकदम एंगेजिंग कुछ देखना है ना, क्योंकि अमूमन मेरे पास ऐसी ही रिक्वेस्ट आती है भाई एंगेजिंग कुछ बताओ, मैं बोलता हूँ भाई मलयालम सिनेमा की मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, आपको भी किसी को मतलब, मुझे आपने भी रिकमेंड की है मेरी काफी सारी वाली वीडियोस में, बट स्टिल द पॉइंट इज कि ठीक है, बैक कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। सो दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच मूवी शो, मिलेंगे मुझे नहीं मिलेंगे आपको मुश्किल है, मुझे मिला एक रात का 10 बजे का शो, मैंने भाई जाके देख ली क्योंकि मैंने इनिशियल देख लिया था कि रिव्यूज बहुत बढ़िया, और जब जैसे ही मुझे फर्स्ट हिंट मिलता है ना मैं पहले ही जाके, यहाँ दिल्ली NCR में कम शोज लगते हैं, बट देन दिस मूवी किष्किंधा कांडम इज ऑल टूगेदर अ विनर फॉर मी, अ 4-star डिजर्विंग फ्रॉम माई साइड गाइज, प्लीज डोंट मिस दिस मूवी, मत करना यार मिस, बढ़िया कंटेंट बिल्कुल मिस मत करना। और मेरी कंप्लेंट है मलयालम सिनेमा वालों से, भाई सबटाइटल भी आपने 4 में से 1 हॉलो में छोड़ा हुआ है, इतनी मुश्किल हुई है ढूंढने में, और हिंदी डबिंग भाई करना शुरू कर दो, हम बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक सब नहीं देख सकते हैं, एवरीवन कैन नॉट वॉच द मूवी इन द ओरिजिनल लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल, दैट टू 20-25% हॉलो में। सो दैट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि प्लीज काइंडली ये सब चीजें करनी शुरू कर दो, बिकॉज हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और बैठे हैं भाई फैन, तेलुगु इंडस्ट्री है ना, तेलुगु इंडस्ट्री से देखो धीरे 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 करके हिंदी में आता है, तो मलयालम मूवी से भी एक्सपेक्ट में ही करूंगा धीरे से थोड़ा थोड़ा करके नेटवर्क अपना बढ़ाओ। बाकी मैंने देखो कुछ पॉइंट्स भी लिखे, ऑनेस्टली मैं बताऊं इस मूवी के बारे में, तो उसमें मैंने ये लिखा हुआ है फाइनेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर करके, तो बड़ा मजा आया। और बाय द वे ये जो करेक्टर है ना अप्पू पिल्लई का, बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा करेक्टर लगा यार मुझे, मतलब जिस तरीके का वो फॉरेस्ट की थीम भी देखो, मतलब इट वॉज सो अनप्रडिक्टेबल कि भाई आपको कुछ भी हो सकता है कभी भी, इतना तक था। तो बहुत अमेज, बहुत इंप्रेस, मैं लिटरली बहुत इंप्रेस हूँ, और मजा आता है यार, मजा आता है ऐसी मूवीज देखने में, और चाहता हूं कि आप लोग जाके एटलीस्ट देखो, अगर हॉल में नहीं भी देखने जा रहे हो ना वेट कर लो OTT का, क्योंकि मुझे पता है सारे नहीं देख पाओगे, OTT का वेट करो। बट एक चीज याद रखना, द काइंड ऑफ सिनेमा मॉलीवुड इज मेकिंग राइट नाउ, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट को कोई आने वाले फ्यूचर में भी टच कर पाएगा। अब यहां से वो कहां निकलेंगे दैट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, इनका जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि पिक्चर को, मूवी को एक ग्लोबल अप्रोच या एक पैन इंडिया अप्रोच मिलनी भी जरूरी है ना यार, OTT पे हम देख के कुछ ज्यादा डिसाइड नहीं कर सकते। बट फैंटास्टिक top 10 ग्रॉसिंग, अगर आप मॉलीवुड की अगर लिस्ट निकालोगे ना ऑल टाइम इंडियन मूवीज की फिलहाल में, तो मॉलीवुड की कितनी सारी मूवीज, ब्रह्म युगम, ये वो 7-8-10 मूवीज आपको 2024 के अंदर ही दिख जाएगी, और मेरी उम्मीद है कि मॉलीवुड इसी तरीके से कंटेंट को आगे कंटिन्यू करता रहेगा। दोस्तों बहुत मजा आया, 4 out of 5 star अगेन टू, थोड़ी लंबी होगी वीडियो बट ठीक है, मेहनत करके आया रात को, मैंने कहा डाल देता हूँ जितने भी लेट हो, टेक केयर, बाय बाय। और अब अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और कुछ आपके कमेंट शेयर करना हो तो वो भी कर देना भाई, टेक केयर, बाय बाय।